जाणीशुणी देशरे धार्मिक आधार में भेदभाव सृष्टि करने को चाहूंती स्टालिन निर्वाचन फायदापी देशे अशांति खेल चेष्टा करोपाई से भली धार्मिक विरोधी बयान देउछंती कही तमिलनाडु मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पुआ उदयनिधि स्टालिन को कड़ा टार्गेट करिछंती तमिलनाडु राज्य बीजेपी सभापति के अन्नामलाई एक वीडियो जारी करी मुख्यमंत्री समेत डीएमके को देखाई आईना किभली निर्वाचन जितिबा परे सनातन धर्म विरोध में कथा कहंती स्टालिन हेले निर्वाचन पाखे आसिले निजकु हिंदू बोली कही धार्मिक आधार रे भोट हातेबा को ड्रामा करंती स्टालिन को पर्दा अभिनयर पर्दाफाश करिसंती बीजेपी सभापति के अन्नामलाई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तिरु एमके स्टालिन सर वणक्कम व्हेन यू से दैट यू आर हियर टू अबॉलिश सर्टेन इल्स ऑफ सनातन धर्म and to promote equality, it is like Satan talking about Vedas to the God. So please don't get into that territory, sir. That is my humble submission to you. So DMK as a party is run on caste lines. DMK as a party is meant to promote caste in Tamil Nadu. That is why more than any other part of India, Tamil Nadu sees the highest number of caste violence. Tamil Nadu sees the highest number of caste conflict. Tamil Nadu has got the highest number of caste fault lines, including the latest research says the prevalence of two Tamilar system is one of the highest in Tamil Nadu.